हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 साइंस का स्टार्ट किया था. नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर. जो मैटर हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में है, क्या वो प्योर है या नहीं है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी सब्सटेंसेस होते थे दो तरीके के होते थे. एक क्या होता था आपके पास, प्योर सब्सटेंस होता था, और दूसरा क्या होता था, इम्प्योर. प्योर सब्सटेंस वो होते थे, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है. और जो इम्प्योर होता है, मतलब वो प्योर नहीं होगा, उसके अंदर एक टाइप के एटम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे. प्योर सब्सटेंसेस में सेम काइंड ऑफ एटम्स रहते थे, बट यहाँ पर सेम काइंड ऑफ एटम्स देखने को नहीं मिलेंगे. दैट मीन्स वॉट, इम्प्योर जो होंगे सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर. जिसमें हमने दो तरीके के मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, एक होता था होमोजीनियस और एक होता था हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर वो होता था जिसका जो कंपोजिशन होता था वो क्या रहता था, यूनिफॉर्म रहता था, और जिसके पार्टिकल्स जो होते थे वो स्टेबल रहते थे, ठीक, उनको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते थे. लेकिन हेट्रोजीनियस वो होता था जिसके पार्टिकल्स स्टेबल नहीं होते थे और जिनको आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो, ठीक है. तो हमने ये ओवरऑल चैप्टर स्टार्ट किया था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक. तो जिस एक बार हम लोग जरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया था. ओके, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है. इसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए मैटर को डिफाइन किया था, ठीक है. मैटर क्या था हमारा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास, ओके सॉरी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इन इट, दैट इज नोन एज द मैटर. दो तरीके के हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे मैटर को, एक होता था प्योर और एक होता था इम्प्योर. प्योर के अंदर हमारा रहता था एलिमेंट एंड कंपाउंड, और जो इम्प्योर होता था दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर, जिसके अंदर दो तरीके के हमने डिस्कशन किए थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक. इसके जस्ट बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, ठीक. ये सॉल्यूशन क्या होता था, इट इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. ये सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता था जिसके अंदर दो चीजें हमने कंसिडर की थी, एक होता था सॉल्यूट और एक होता था आपका सॉल्वेंट. जो कम अमाउंट में आप यूज करते हो किसी, मतलब सॉरी, सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने के लिए या सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट. और जिसका अमाउंट ज्यादा होता था दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के क्या बनते थे आपके, सॉल्यूशन. इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती थी जो हमने डिस्कस की थी. पहली चीज होती थी सॉल्युबिलिटी, मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजोल्व हो सकता था किसी सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी. और इसके बाद हमने डिस्कस किया था इसमें कि दो तरीके के सॉल्यूशन होते थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. एक ऐसी स्टेज आती थी जब आपका जो सॉल्यूट होता था सॉल्वेंट के अंदर मिलना बंद हो जाता था, तो यानी कि उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर. बट यहाँ पे अगर सॉल्यूशन को, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आप उसको अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते थे, बाय प्रोवाइडिंग हीट. यानी कि अगर आप उस सॉल्यूशन को हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा कि उसकी जो कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की वो बढ़ जाएगी, और उस कंडीशन में ये क्या बन जाता था, अनसैचुरेटेड, अ सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सॉलिड कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक. इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं. शुगर सॉल्यूशन में क्या था, शुगर एंड वाटर. सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन हमारा जो होता था अल्कोहल में, उसको हम लोग बोलते थे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसमें आयोडीन क्या था हमारा, सॉल्यूट, और अल्कोहल क्या था हमारा, सॉल्वेंट था. जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर जो भी होता है, इसके अंदर जो CO2 हम यूज करते थे वो सॉल्यूट होता था, और वाटर क्या होता था हमारा, सॉल्वेंट. एयर भी क्या होता था, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सॉल्यूशन की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी. पहली चीज होती थी अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ओके. सेकंड हमारा रहता था साइज ऑफ द पार्टिकल्स, जो होता था बहुत ही छोटा होता था, जिसको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, और इनकी पार्टिकल्स की साइज इतने छोटे थे कि अगर आप इस सॉल्यूशन के अंदर से लाइट को पास करने की कोशिश करोगे तो जो पाथ ऑफ लाइट होता था वो आपको विजिबल नहीं हो पाता था. इस सॉल्यूशन को अगर आप कई देर, मतलब काफी देर के लिए ऐसे ही छोड़ भी दोगे तो भी इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते थे, दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ओके. व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल, ठीक. अब जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक. तो सबसे पहला हमारा जो सॉल्यूशन होता था, व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन दो तरीके के थे मिक्सचर में, हमने डिस्कस किए थे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस हमारा क्या रहा था, जो अब जस्ट हमने डिस्कस किया था, दैट इज अ सॉल्यूशन. लेकिन अब हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होगा उसके अंदर के सॉल्यूशन दो तरीके के होंगे, एक आपका कहलाएगा सस्पेंशन और एक सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा, कोलाइडिंग सॉल्यूशन, ठीक.
सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, एक बार आप देख लो कि जो लिक्विड के अंदर लिक्विड होता है इसके एग्जांपल कौन से हो गए, वाटर एंड इंक। सॉलिड इनटू सॉलिड कौन से हो गए, एलॉयज। एलॉयज आपने पढ़ा होगा कि अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग द फिजिकल मेथड्स। ये एक मिक्सचर होता है मेटल्स का या नॉन मेटल्स का जिसको आप किसी फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपके पास कुछ एलॉयज आप यूज करते हो, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एलॉय। ठीक है, ब्रास के अंदर किस किस एलिमेंट को हम यूज करते हैं, कॉपर एंड जिंक, जिसमें जो जिंक होता है 50% हमें यूज करना पड़ता है। ब्रॉन्ज जो होता है उसके अंदर कॉपर एंड टिन होता है, जो टिन हमारा यहाँ पे यूज होता है वो रहता है आपका 12%। गैस इनटू गैस जो होती है दैट इज द एयर। सॉलिड इनटू लिक्विड का एग्जांपल आपका हो जाएगा शुगर प्लस वाटर। सॉलिड इनटू गैस का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन एंड मेटल्स, एंड लिक्विड इनटू गैस एग्जांपल इज CO2 एंड वाटर। अब जो आप जो सॉल्यूशन अब तक पढ़ रहे थे इसके अंदर दो पॉइंट्स आने वाले हैं, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। देखो अब डाइल्यूट क्या होता है, जैसे अगर आप लैब में जाओगे तो अगर मैं आपको कहूंगी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट के अंदर आप सॉल्यूट को यूज करोगे, तो सॉल्यूट का जो मतलब जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो उसकी जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। लेकिन जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर आप इसको मिक्स कर रहे हो इसकी जो अमाउंट होगी वो ज्यादा होगी। जैसे कि अगर आपके पास एक ग्लास पानी है, एक ग्लास पानी में आप कितना नमक डालते हो, एक चम्मच नमक डाल रहे हो, तो जो टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट होता है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूट, और जिस पानी के अंदर आप उसको मिक्स कर रहे हो वो क्या रह गया आपका, सॉल्वेंट। ठीक है, अ सॉल्यूशन इन विच द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर। इसी तरीके से जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो वो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में आपको ऐड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, जो आपका सॉल्वेंट है इसके अंदर सॉल्यूट का जो लेवल होगा वो भी क्या करोगे आप, बढ़ा दोगे उसका अमाउंट, क्या करोगे आप, इंक्रीज कर दोगे सॉल्यूट का अमाउंट। तो ये आपका कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब इस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को सॉल्व आउट करने के लिए हम कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। जो भी किसी सॉल्यूशन का आपको कंसेंट्रेशन निकालना होगा उसका फॉर्मूला रहेगा हमेशा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करते हैं ये एक बीकर है जिसके अंदर क्या है, ये सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जिसके अंदर आप किसको ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट को ऐड करोगे। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड हो जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये दोनों सॉल्यूशन की। तो इस कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप इसका दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करोगे, आपको सीधा फॉर्मूला लगेगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो जो भी सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो दैट इज अ मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपके बुक में एक एग्जांपल है सॉल्व, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है जो कि कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट कंटेन किया हुआ है, 40 ग्राम, यानी कि इसके अंदर आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया हुआ है, 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट। और ये जो सॉल्यूट जो आपने ऐड किया है किसके अंदर ऐड किया है, 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी जो वाटर का जो इसमें कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 320 ग्राम। ये आपका क्या बन गया, सॉल्वेंट। इस सॉल्ट को आपने इस सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूट को आपने किसके अंदर ऐड किया है, सॉल्वेंट के अंदर। और जैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते थे, ये सॉल्यूशन की, यानी कि आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन था आपको, 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 320 ग्राम, यानी कि मास ऑफ जो सॉल्यूशन इन दोनों के थ्रू बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 320 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 360 ग्राम। फिर आपको निकालना था इसमें कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको यहाँ पे, 40 ग्राम, ठीक है, और आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना जस्ट अभी आया, 360। सो 40 अपॉन 360 इनटू 100 इज इक्वल टू 11.1%। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन।
अब जो हम नेक्स्ट इसके बाद जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द सस्पेंशन. ओके, जो नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे हम लोग दैट इज कॉल्ड द सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या होता है? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मतलब जिसके अंदर आप पार्टिकल्स को इजिली देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर, चॉक एंड वाटर. ठीक है, तो इनके अंदर आप जो पार्टिकल्स लास्ट में सेटल डाउन होते हैं काफी, मतलब अगर आप उसको कुछ देर के लिए ऐसी छोड़ दोगे तो क्या होता है, जितने पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे. तो उन पार्टिकल्स को आप लोग इजिली देख सकते हो. सो इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. यानी अगर आपने सैंड को या मिट्टी को वाटर के अंदर एड किया तो थोड़ी देर के लिए तो मिक्स होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जितना भी सैंड होगा वो सारा का सारा कहाँ पे सेटल हो जाएगा, नीचे बॉटम पे जाके सेटल हो जाएगा. तो इसके अंदर आप इजिली इनको सेपरेट कर सकते हो फिल्टरेशन की मेथड से. जिन सॉल्यूशन को आप लोग सेपरेट कर सकते हो फिल्टरेशन की मेथड से दैट इज कॉल्ड द सस्पेंशन. बट जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, अब इसमें आप पार्टिकल्स को नीचे देख सकते हो. पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आईज. इजिली यू कैन सी थ्रू योर आईज ऑल दिस पार्टिकल्स. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द सस्पेंशन. अब इस सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी देख लो. पहली चीज ये क्या रहेगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, दूसरा पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आईज. अपनी आंखों से सीधे आप पार्टिकल्स को नीचे सेटल डाउन होते हुए देख सकते हो. एंड वेन यू पास द पाथ ऑफ अ लाइट इट इज विजिबल थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन. यानी जब तक आपने सपोज किया वाटर है, वाटर के अंदर सैंड पार्टिकल्स जब मिक्स कर रहे हो आप, और इसके थ्रू अगर आप किसी लाइट को या अपने मोबाइल की टॉर्च की लाइट को अगर पास करने की कोशिश करोगे, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग रात में परफॉर्म करके देख सकते हो. ठीक है, कमरे में अंधेरा करना, डार्क रूम रखना, इस तरीके का सोल्यूशन बनाना, और इसके थ्रू आप क्या करना, टॉर्च या मोबाइल की लाइट से इसको पास करने की कोशिश करना सोल्यूशन के थ्रू. ठीक है ना, तो क्या होगा, जो लाइट का जो पाथ होगा वो आपको विजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो वो जिसमें से लाइट का पाथ विजिबल हो सकता है जिस सॉल्यूशन में से, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन. लेकिन जैसे ही सारे सैंड पार्टिकल्स काफी देर बाद, अगर मान थोड़ी देर बाद सेटल डाउन कहां हो गए, नीचे की तरफ, तो ऊपर आपको क्या दिखेगा, वाटर दिखेगा, और नीचे आपको क्या दिख रहा है, सैंड के पार्टिकल्स. बट अगर आप इस कंडीशन में पाथ ऑफ लाइट को ट्राई करोगे पास कराने के लिए, तो यहां पर ये पाथ ऑफ लाइट आपको विजिबल नहीं होगा. ये पाथ ऑफ लाइट आपको तभी विजिबल होगा जब पार्टिकल्स सैंड के और वाटर के यहां पर सारे मिक्स होंगे. ठीक है, अलग अलग सेपरेट नहीं, जब तक नहीं होंगे तब तक यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट जो होगी वो विजिबल रहेगी. द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज द सस्पेंशन इज अनस्टेबल. थोड़ी देर आप अगर छोड़ोगे तो क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, वाटर ऊपर आ जाएगा. तो इस तरीके का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या कहलाएगा, आपका अनस्टेबल. इंपॉर्टेंट लाइन से कुछ ये ध्यान रखना कि दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. फिल्टरेशन की मेथड से आप इस तरीके के सस्पेंशन सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हो. सेकेंड थिंग, व्हेन पार्टिकल्स सेटल डाउन सस्पेंशन ब्रेक्स. ओके, एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर. जैसे ही पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बचेंगे, और जब आप यहाँ पे लाइट पास करने की कोशिश करोगे तो लाइट ये पास नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सस्पेंशन. जो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के अंदर दैट इज कॉल्ड द कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होगा. फॉर एग्जांपल अगर वाटर और मिल्क को आप मिक्स करते हो तो क्या आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि मिल्क के पार्टिकल्स को वाटर से दोबारा अलग कर पाओ. इंक और वाटर को मिक्स कर रहे हो, क्या इंक के पार्टिकल्स को आप लोग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. यानी कि जो इनका मतलब कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा. तो इसलिए सॉल्यूशन कैसा फॉर्म होगा आपका, ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन. ठीक है, द पार्टिकल्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल दैट द सॉल्यूशन अपीयर्स एज होमोजीनियस. ये पार्टिकल्स जो इसके अंदर इंटरमिक्स हो रहे हैं ये इतने छोटे होते हैं कि आपको कैसे दिखाई देंगे, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह दिखाई देंगे. ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये होमोजीनियस नहीं होते, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इट इज अ, पहला चीज, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आईज. आप इनके पार्टिकल्स को नेकेड आईज के थ्रू नहीं देख सकते हो. द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइड. ओके, एंड प्रोड्यूस द टिंडल इफेक्ट. इसमें क्या होगा, जैसे आपका ये मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है, मिल्क और वाटर का सोल्यूशन,
अगर आप इसके थ्रू लाइट को पास करोगे तो यहाँ पे भी लाइट का जो पाथ होगा वो आपको क्या दिखेगा, विजिबल होगा, यानी कि लाइट का होगी, लाइट जो होगी वो इजिली इस सॉल्यूशन से पास हो जाएगी। और जो सॉल्यूशन लाइट को इजिली अपने अंदर से पास कर सकते हैं तो वहां पे वो किस तरीके की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, मैं आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये अभी याद रखना टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जब कोई सॉल्यूशन से लाइट पास हो जाए और लाइट का पाथ विजिबल हो जाए देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज कोलाइड्स आर स्टेबल इन नेचर, यानी अगर आप मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन काफी देर भी छोड़ दोगे तो मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर स्टेबल इन नेचर, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। उसके बाद दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, फिल्टरेशन की प्रोसेस से भी आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड हियर दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन। इस तरीके के सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए आप एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हो जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जब हम लोग सेपरेशन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द चर्निंग। आप जैसे मक्खन को अलग करते हो, ठीक है, घी मतलब तो घी निकालने के लिए क्या करते हो, दूध से मक्खन को अलग करते हो, मलाई को अलग करते हो, तो उसमें क्या करते हो आप लोग, एक चर्निंग मशीन का यूज करते हो या घर के अंदर मिक्सर का यूज करते हो, तो दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसके अंदर दो तरीके के फेज आते हैं। ठीक है, याद रख लेना, एक होता है आपके पास डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज का मतलब होता है वो सॉल्यूट जो कि या फिर वो कंपोनेंट जो कि आप इसमें ऐड कर रहे हो, और जो मीडियम होता है वो मीडियम या सॉल्वेंट जिसके अंदर आप ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और डिस्पर्स पार्टिकल्स इन अ कोलाइड, और ये होता है कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड। ये मान लो अगर हम लोग मिल्क और वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्पर्स फेस क्या हो गया, हमने क्या इसके अंदर ऐड किया, मिल्क के कुछ पार्टिकल्स को ऐड किया, तो डिस्पर्स फेस किसका बन जाएगा, यहाँ पे मिल्क का, और हमने किसके अंदर इसको ऐड किया, मिल्क को, वाटर के अंदर, तो डिस्पर्स मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर। अब जैसे कि आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, आप ये देख सकते हो कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, यहाँ पे डिस्पर्स फेज आपका ले रहे हैं सबसे पहले लिक्विड, लिक्विड के अंदर, लिक्विड को आपने किस में मिलाया है, कौन से मीडियम में, गैस। जैसे ही आप लिक्विड को गैस में मिलाओगे तो इसके टाइप कौन से निकलेगी, एरोजल। ठीक है, जिसमें जैसे कि फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गया, मिस्ट हो गया, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एरोजल, यानी लिक्विड जब गैस के अंदर मिक्स होता है, ठीक है, जिसमें गैस की जो मतलब कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक, इस तरीके से जब सॉलिड को आपने गैस में फॉर्म किया, ठीक है, मिक्स किया, तो ये भी किसकी फॉर्म देगा, एरोजल। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए स्मोक एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट अब आपका होता है गैस एंड लिक्विड, जो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, फोम, जो आपकी शेविंग क्रीम के अंदर यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लिक्विड और लिक्विड इमल्शन। इमल्शन का मतलब कौन कौन से एग्जाम्पल हो गया, मिल्क भी क्या था, लिक्विड था, वाटर भी आपका क्या था, लिक्विड था, तो जो फॉर्मेशन हुई किसकी हुई, इमल्शन की, मिल्क एंड फेस क्रीम। सॉलिड और लिक्विड जो है, डिस्पर्स फेज आपने क्या रखा है, सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या रखा है, लिक्विड, तो इससे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। ठीक है, गैस एंड सॉलिड का रहा तो फोम की फॉर्मेशन, फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमाइस। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड का रहा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, जेल, जली, चीज, बटर। सॉलिड एंड सॉलिड का रहा तो सॉलिड सॉल्यूशन, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका था कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आप अपनी बुक में देख सकते हो कि एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, थोड़ा गैप होता है पेड़ों के बीच में, ट्रीज के बीच में कुछ गैप होता है, तो जैसे ही मॉर्निंग में सनलाइट होती है तो सनलाइट जैसे ही आ रही है वो क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पाथ से आगे मूव कर रही है, तो यही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट मैं आपको बता दे रही हूं। टिंडल इफेक्ट होती है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइड, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड इज कटर द बीम ऑफ लाइट। जब कोई बीम ऑफ लाइट कोलाइड पार्टिकल्स के थ्रू पास होती है तो ये लाइट का जो लाइट होती है वो कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू आगे की तरफ स्कैटर हो जाती है, एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट इन द सॉल्यूशन। जैसे ये लाइट उस सॉल्यूशन से स्कैटर हो रही है यानी कि पास हो रही है तो हमको उस लाइट का पाथ विजिबल होता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ डार्क रूम इट इज स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स. अंधेरे कमरे में जैसे ही आप लोग टॉर्च को ऑन करते हो या मोबाइल लाइट को ऑन करते हो तो एक लाइट का पाथ आपको विजिबल होता है, जिसके साथ साथ आपको कुछ डस्ट पार्टिकल्स उसके चारों तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, इन द एयर, एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट क्लियरली. और आप लोग उसके थ्रू उस लाइट के पाथ को इजिली देख सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड योर टिंडल इफेक्ट. अब इसके अंदर आप कुछ क्वेश्चंस देख लो, क्या क्या क्वेश्चंस आपको करने होंगे. पहला रहेगा आपका डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल. ये आराम से आप कर सकते हो. मिक्सचर दो तरीके के थे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजेनियस जो होता था यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता था, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म. इसका एग्जांपल क्या हो गया, सॉल्ट वाटर देन शुगर वाटर, और इसके एग्जांपल सैंड एंड वाटर, चौक एंड वाटर, ठीक है. हाउ आर सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन सस्पेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन से बात हो रही है, ठीक है ना. तो कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो प्रॉपर्टीज थी जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, वैसे ये प्रॉपर्टीज आपको अपनी बुक में ही मिल जाएंगी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलाइड, ठीक है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर सस्पेंशन, ठीक. सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज, एंड थ्रू दिस यू कैन डिफरेंशिएट देम. टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है. यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था, जिसके अंदर जो सॉल्यूट था अब उसको आप आगे की तरफ ऐड नहीं कर सकते, और ज्यादा सॉल्यूट को आप उसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते हो. तो आपने यहाँ पे जो सॉल्यूट लिया, कितना लिया है, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आपका कॉमन सॉल्ट. यानी आपके पास सॉल्यूट कितना है यहाँ पर, 36 ग्राम. और इसको आपने किसके अंदर डिसॉल्व किया है, 100 ग्राम ऑफ वाटर. यानी सॉल्वेंट आपने कितना लिया है यहाँ पे, 100 ग्राम. तो जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होंगे तो क्या बनेगा इससे, सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 136 ग्राम. आपको निकालना है, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर. आपको कंसंट्रेशन निकालना है. कंसंट्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. दिस फॉर्मूला अगेन यू हैव टू यूज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. तो ये कितना हो जाएगा आपका, 36 अपॉन 136, ठीक है. इसको जैसे डिवाइड करोगे यू कैन फाइंड द कंसंट्रेशन. सो दिस इज क्लियर. सो दिस मच इज सफिशियंट फॉर टुडे. थैंक यू.